प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरोहा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समुद्र के नीचे कोई पूजा करने वाली चीज है ही नहीं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों पर हमला बोलते हुए कहा है कि दो शहजादों की फिल्म की शूटिंग चल रही है। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की, वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। और मैं अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को पसंद है जो मोरपंख, वो भी ले गया, वहां मैंने रखा। लेकिन कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। और जो अपने आप को यदुवंशी कहकर के ढोल पीटते हैं, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, बिहार में जो लोग कहते हैं ना हम यदुवंशी हैं, उत्तर प्रदेश में जो नेता यदुवंशी का माल मलाई खाने के लिए निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो। यूपी में एक बार फिर तो चुनाव प्रचार भी जारी है, एक दूसरे पर सियासी वार भी जारी है, और इन सबके बीच मतदान का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ रामपुर से हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़ चुके हैं। विशाल, पहली बार ऐसा होगा कि रामपुर में आजम खान के परिवार का कोई नहीं लड़ रहा, आजम खान के कहने पर टिकट नहीं दिया गया है, किसी बाहरी को टिकट दिया गया है। इस बार क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, बताएं। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि पहली बार ऐसा है कि आजम खान का जो पूरा कुनबा है वो इस पूरे चुनाव से अलग है। ना तो वो सपा की तरफ जाते हुए नजर आया और ना ही वो बसपा की तरफ जो है जाते नजर आया। आजम खान हो चाहे उनके समर्थक हो, उन लोगों ने इस पूरे चुनाव से अपने आप को दूर कर लिया है। और शायद यही वजह है कि रामपुर में अगर हम वक्त बात करें तो 2 बजे के आसपास का वक्त हो चुका है, और अभी भी अगर हम बात करें रामपुर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है मतदान की प्रक्रिया चल रही है, कहीं पर भी कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। और ये सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि इस बार के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो सपा के प्रत्याशी की बात करें, बसपा के प्रत्याशी की बात करें, ये लोग जरूर यहाँ के रहने वाले हैं रामपुर के, लेकिन इनके ऊपर बाहरी होने का आरोप लगता रहा है। बीजेपी की तरफ से घनश्याम लोधी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो यही है कि आजम खान इस बार के चुनाव में पूरी तरह से निष्क्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। भले वो जेल में हो लेकिन उनके समर्थक पूरी तरह से निष्क्रिय है, और उसका असर पूरा रामपुर में दिखाई पड़ रहा है। रामपुर की सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट होती थी, लेकिन इस बार का जो चुनाव है ये अपने आप में कहा जा सकता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई रामपुर की और किस तरह का माहौल इस वक्त रामपुर में बना हुआ है, हमारे सहयोगी ने बनाने की कोशिश की। मौमिता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मौमिता, इस वक्त आप जिस जगह पर मौजूद है वहां किस तरह के समीकरण, कितना उत्साह चुनाव को लेकर? देखिए, निशित प्रमाणिक सेंट्रल मिनिस्टर यहां से उम्मीदवार है बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए, और सुबह से जो दिखाई गया कि कुछ बिहार में जहां 2019 में या फिर 2021 में जिस टाइप का वायलेंस हुआ, शीतलकुची का घटना हुआ, उस जैसा इलेक्शन अभी नहीं है। यहां पे सुबह से कुछ छोटा मोटा कुछ एलिगेशन था टीएमसी के ओर से, लेकिन भाजपा के ओर से भी कुछ छोटा मोटा एलिगेशन था, लेकिन अभी तक जो इलेक्शन है अभी तक पीसफुल है। और निशित प्रामाणिक खुद एक एक बूथ में जाके सबके साथ बात कर रहा है, वो इलेक्शन कैसा हो रहा है वो देख रहा है, और वो उसने जो दावा किया जी न्यूज़ के साथ उसने बात किया और उससे बताया कि यहाँ पे कुछ बिहार केंद्र से भाजपा की जीत होगी, क्योंकि जनता अभी भाजपा के पक्ष में है, और मोदी का सरकार बनने के लिए कुछ बिहार की जो सब कोई है वो रेडी है, इसलिए अगर कहीं पे भी वायलेंस हुआ तो फिर जो यहाँ का जो कुछ बिहार का जो पीपल है, कुछ बिहार का जो है, सब कोई उसका प्रोटेस्ट करेंगे। जी मोमिता, अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो कहीं ना कहीं चुनावी हिंसा को लेकर के राज्य को बदनाम करते रहे हैं कुछ लोग, वहां पर हिंसा होती रही है चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। क्या आप ये कह रही हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में पहले के मुकाबले शांति है? और साथ ही साथ मैं समझना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें
आप जिस इलाके में मौजूद हैं वहां क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर वोट डल रहे हैं? देखिए बंगाल में चुनाव का मतलब वायलेंस है, ये दिखाई गया है क्योंकि पिछले जब जो 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 इलेक्शन हुआ उसमें बंगाल की जो जनता है वो वायलेंस का ही शिकार हुआ है। और इलेक्शन कमीशन इस बार मैं जहाँ पे हूँ मतलब कुछ बिहार केंद्र में इस बार ज्यादा से ज्यादा फोर्स यहाँ पे फैलाया गया, ज्यादा से ज्यादा फोर्स यहाँ पे है। और यहाँ पे कुछ बिहार का जो समीकरण है वो है राजवंशियों का वोट, जो राजवंशियों संप्रदाय से अनंत महाराज वो राज्यसभा का यहाँ का एमपी है जिसको भाजपा ने एमपी किया। और निशित प्रामाणिक खुद भी यहाँ से हिंदू वोट के बारे में बात कर रहा है, यहाँ के उन्नयन के बारे में बात कर रहा है। और 2019 में निशित प्रामाणिक इस चुनाव से यहाँ से जो जीत हासिल किया उससे भी ज्यादा इस बार ज्यादा से ज्यादा वोट्स में वोट पाके वो जीतेंगे, ये दावा किया है निशित प्रामाणिक खुद ने। जी बिल्कुल मुमिता, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे कई और सहयोगी भी हमारे साथ अलग अलग लोकेशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल पांडे हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ रजत वोरा डोडा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विशाल का रुख करते हैं, आपके पास सवाल है सुप्रीत? बिल्कुल विशाल, मुजफ्फरनगर की अगर बात करें त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है, जाहिर तौर पर मतदाताओं में बेहद ज्यादा उत्साह होगा आज के दिन को लेकर। देखिए बिल्कुल दोपहर 1 बजे तक मुजफ्फरनगर में लगभग 35% मतदान अब तक हो चुका है और मतदान लगातार जारी है। और एक अनुमान के मुताबिक जब शाम 6 बजे वोटिंग खत्म होगी, ये जो अब तक ट्रेंड वोटिंग का चल रहा है उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 62-65% तक मतदान मुजफ्फरनगर में हो सकता है। हालांकि आप देखिए इस वक्त मैं एक बूथ पर मौजूद हूँ, दोपहर का वक्त है लेकिन लोग अभी भी अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी से संजीव बालियान, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से यहां पर हरिंद्र मलिक चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा से दारा प्रजापति चुनावी मैदान में हैं। और कहीं ना कहीं जो बसपा के उम्मीदवार हैं वो किसका ज्यादा वोट काट रहे हैं इससे ही आगे चलकर यहां की तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि जाट लैंड का सबसे बड़ा केंद्र मुजफ्फरनगर है, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन का कितना असर रहता है वो मुजफ्फरनगर से ही सीधे तौर पर पता चलेगा। लेकिन मतदाताओं में उत्साह है और यहां के तमाम हमने मुद्दे सुबह से देखे, खासतौर पर कानून व्यवस्था, सुरक्षा और इसके अलावा विकास के साथ साथ यहां पर कुछ इलाकों में जातिगत समीकरण के आधार पर भी मतदान का रुझान हमें दिखाई पड़ा है। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहे। कैराना से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन ने जैन धर्मशाला बूथ पर अपना वोट डाला। इकरा हसन ने जी मीडिया से खास बातचीत में जीत का दावा किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर उन्होंने हमला बोला है, जीत का दावा किया। हमारे साथ इकरा हसन जी हैं, आपको बता दें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है कैराना से। इकरा जी, आज जो वोटर निकल रहा है किस मुद्दे को लेकर वोटर निकल रहा है? वोटर यहाँ के विकास के मुद्दे को लेकर निकल रहा है और सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं और एक भाईचारा इस बदलाव के लिए हमें बनता दिख रहा है जो भाजपा के खिलाफ बन रहा है। हर वर्ग, हर समाज, हर जाति इस भाईचारे में हमारे साथ है और सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं क्योंकि सब में उदासीनता है। 10 साल के डबल इंजन के कार्यकाल में किसी का कोई लाभ नहीं हुआ, कोई सरकार ने ऐसा काम नहीं किया से किसी को फायदा पहुंचाओ, तो इसलिए जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव होगा। आप अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित हैं? जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद है हमें कि जनता हमारे साथ है, हर वर्ग हमारे साथ है और जब हर वर्ग किसी के साथ खड़ा होता है तो वो जीतता है और हमें पूरी उम्मीद है। मैम ये कह रहे हैं कि 80 सीटें हम यूपी में जीते और 400 पार का नारा दे रही है, वो उनका बहकावा है मीडिया के माध्यम से, वो लोगों को एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहका रहे हैं लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है। पश्चिम की जो सीटें हैं उसमें भी इंडिया गठबंधन जीतेगा, जितनी भी सीटें पश्चिम की हैं। लास्ट सवाल, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा? ये तो देखिए सीटें तो हम वोट कास्ट कर दिए, एक बार दिखा दीजिए, देखिए वोट कास्ट करके आई हैं और हमारे साथ देखिए इकरा हसन है जो कैराना लोकसभा सीट से उम्मीदवार है, उनका कहना है कि वो अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित है। तो अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अपडेट्स दे रहे हैं। कठुआ से हमारे सहयोगी रजत वोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब रजत, अगर बात की जाए कठुआ की तो यहां पर इस इलाके में क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट डाला जा रहा है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहा है?
जी बिल्कुल, धारा 370 हटने के बाद कई सारे डेवलपमेंट के वादे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, कई वादे उन्होंने पूरे भी किए हैं, पर लोग जो हैं वो अपना अभी अगर बात करें तो पत्ते जो है वो नहीं खोल रहे, क्योंकि लगातार जम्मू की जो ये सीट है ये वीवीआईपी सीट मानी जा रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव में लड़ रहे हैं, तीसरी बारी वो कह रहे हैं कि हैट्रिक वो लगाएंगे। वहीं चौधरी लाल सिंह जो एक बार भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हुए थे, बतौर एमएलए उन्होंने काम किया, मिनिस्टर भी रहे, पर एक बार फिर से कांग्रेस में आने के बाद, दो बार के वो एमपी भी रहे हैं, कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने दावा ठोका है कि वो जरूर बड़ी जीत यहां पर हासिल करेंगे, पर जिस तरह के समीकरण है वो लगातार एक फाइट जो है वो जरूर देखने को मिल रही है, इसीलिए वोटर जो है वो भारी तादाद में लगातार केंद्रों का जो रुख है वो लगातार कर रहे हैं। एक बजे तक की बात करें तो 43.91% जो वोट है वो अभी तक डल चुका है, और उसके अलावा भारी तादाद में जो वोटर्स हैं वो कतार में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब संविधान के सबसे महत्वपूर्ण जो उनका अधिकार है उसका वो इस्तेमाल कर सके। आप देख सकते हैं मातृशक्ति भी लगातार सुबह से ही लाइनों में लगी हुई है और चाहती है कि अपने मत अधिकार का जो इस्तेमाल है वो किया जा सके, और अपने जो प्रत्याशी है, जो पसंदीदा प्रत्याशी है, उन्हें ये वोट दें, और जो देश की तरक्की में लगातार योगदान जो है वो अपनी तरफ से भी ये दे सके, और इसीलिए लगातार जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि चौधरी लाल सिंह जो है वो दो बार इसी इलाके से, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। बिल्कुल, भारी उत्साह यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो मतदाता पहुंच रहे हैं, और रजत ने हमें हमारी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से कठुआ में जो है लोग बढ़ चढ़कर अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अलग अलग सीटों को लेकर, अलग अलग राज्यों को लेकर, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरह का माहौल, कितने आंकड़े यहाँ पर सामने आए हैं वो बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जम करके वोटिंग हो रही है। अगर बात की जाए पहले चरण में तो कैराना में 37% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं, मुजफ्फरनगर में लगभग 34.5%, पीलीभीत में 38% से ज्यादा, जबकि सहारनपुर में 42% से ज्यादा मतदान 1 बजे तक हो चुका है। तो देखिए पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है। मुरादाबाद में देखिए 34.25%, रामपुर 32.86% और बिजनौर में 36% मतदान अभी तक हो चुका है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आंकड़ा और शाम तक बढ़ेगा। ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की, बिहार का रुख करेंगे। औरंगाबाद का आंकड़ा देखिए 34%, गया 30.40%, नवादा 27.23%, जमुई 34.25%। और जमुई जहां पर गाली वाला जो मामला था वो काफी सुर्खियों में रहा, और चिराग पासवान की मां को जिस तरह से आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गाली दी, कहीं ना कहीं इस मुद्दे का बड़ा असर बिहार चुनाव पर पड़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बस्तर में 49% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं, बीजापुर में लगभग 25%, जबकि चित्रकूट में 42% से ज्यादा वोट पड़े हैं, दंतेवाड़ा में 45% से ज्यादा मतदान हो चुका है।